नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। पिछले वीडियो में पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी या पार्शियल मोलर क्वांटिटी के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये क्या है। आज हम उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, यदि आपको पिछला वीडियो देखें तो आप, जहां पर हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कि वो क्या है, चेंज इन प्रॉपर्टी एक्स। एक्स क्या है? कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, स्टेट वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एक्स यदि हम कंसीडर करते हैं, तो चेंज इन प्रॉपर्टी एक्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम कैसा, जिसमें दो या दो से ज्यादा कंस्टिट्यूंट्स हैं, मल्टी कंस्टिट्यूंट सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकते हैं, एडिशन किया जा सकता है। तो एक ऐसा ओपन सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफर अलाउड है, ऐसी स्थिति में हम किसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पर विचार करें तो चेंज इन प्रॉपर्टी एक्स ऑफ द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द एडिशन और रिमूवल, नहीं, पदार्थ को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो चेंज इन एक्स विद एडिशन एंड रिमूवल, कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां पर यदि हम एक सेंटेंस में इसको डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, एक ओपन सिस्टम है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है और उसमें कॉन्स्टिट्यूंट्स का एडिशन और रिमूवल पॉसिबल है। तो क्या लिखा हमने, चेंज इन प्रॉपर्टी एक्स ऑफ द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द एडिशन और रिमूवल ऑफ वन मोल ऑफ दैट सब्सटेंस और कॉन्स्टिट्यूंट। पहला कॉन्स्टिट्यूंट, दूसरा कॉन्स्टिट्यूंट, तीसरा कॉन्स्टिट्यूंट, उसके यदि हम वन मोल ये चेंज करें, चेंज करने से मतलब चाहे एडिशन है चाहे रिमूवल, तो विद द एडिशन एंड रिमूवल ऑफ वन मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। फिर आगे हमने क्या लिखा, टू सच ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ए सिस्टम, यानी सिस्टम एज ए होल काफी बड़ा है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें कई हैं, सबके नंबर ऑफ मोल्स हैं N1, N2, N3, N4 इस तरीके से, तो टोटल सिस्टम लार्ज है, छोटे छोटे उसमें कई कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं और किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंट में, मान लीजिए N1 है, उसमें हम वन मोल का एडिशन या रिमूवल करें। तो सिस्टम क्योंकि काफी बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में यदि हम एक कंपोनेंट या सब्सटेंस या कॉन्स्टिट्यूंट में वेरिएशन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स में, तो ओवरऑल ज्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए, एप्रिशिएबल चेंजेस नहीं आने चाहिए और ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंट रिमेन्स वर्चुअली अनचेंज्ड। ठीक है, थ्योरेटिकली आप बात करेंगे तो उसमें चेंज आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली या वर्चुअली ओवरऑल कंप्लीट सिस्टम में कोई चेंज नहीं आए। ठीक है ना, तो क्या हुआ, ओपन सिस्टम, दो से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंट्स, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर और उसमें हम किसी कॉन्स्टिट्यूंट के वन मोल ऐड करें या रिमूव करें, सामान्यतः ऐड करते हैं तो ऐड करें, और उस एडिशन से उस प्रॉपर्टी एक्स में क्या चेंज आता है, वो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी या पार्शियल मोलर क्वांटिटी कहलाता है।
ठीक है, तो इट मे बी रिगार्डेड एज द कंट्रीब्यूशन पर मोल ऑफ ईच पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंट टू द टोटल वैल्यू ऑफ एक्स. जब हम एक्स की बात कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, दो से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, तो जितने कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं हर एक का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होगा. ठीक है, वही पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है उसकी, जो कि सब कॉन्स्टिट्यूंट्स मिलकर उस पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो ये जो पार्शियल मोलर क्वांटिटी है, जिसको कि हम बार लगा के लिखते हैं, x1 बार या x2 बार या xi बार, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी. पहले हमने बात की थी x की, वो x एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है. लेकिन यहां पर हम क्योंकि उसको n1 से n2 से या नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर रहे हैं और वो पर मोल क्वांटिटी निकल के आ रही है, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है. इसलिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं वो तो एक्सटेंसिव है, लेकिन उसकी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी की जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तब वो इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाती है. तो पार्शियल मोलर क्वांटिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है, जो कि डजंट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, क्योंकि उसको हमने पर मोल ले लिया पहले, तो इसलिए वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है. जैसे पार्शियल मोलर एनर्जी की हम बात करें, तो एनर्जी को हम ई से लिखते हैं, तो ई बार यानी पार्शियल मोलर एनर्जी, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, चेंज इन एनर्जी या प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ नंबर ऑफ मोल दैट कंस्टिट्यूट 1, 2, 3 या आई, तो वो पार्शियल मोलर एनर्जी कहलाएगा. पार्शियल मोलर वॉल्यूम के लिए अगर हम लिखें तो उसको हम वी आई बार करके लिखेंगे. याद रहे कि ये ई वी एच ये सारी क्वांटिटीज तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, लेकिन बार लिखने के बाद ये पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी या क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है. तो वी आई बार को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. ऐसी पार्शियल मोलर इंथैल्पी है एच वन, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डी एच अपॉन डी एन आई. और टेम्परेचर प्रेशर और बाकी सारी क्वांटिटीज या कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं वो सब कॉन्स्टेंट रहेंगे. फिर पार्शियल मोलर ये आपकी एनर्जी ए हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, पार्शियल मोलर एंट्रोपी, पार्शियल मोलर ग्रिप्स एनर्जी. तो किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के लिए हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं या रिलेशन लिख सकते हैं. तो कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है उसकी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी भी हम लिख सकते हैं या होगी यदि हम उसको नंबर ऑफ मोल्स से डिफ्रेंशिएट कर दें या उसकी रिस्पेक्ट में चेंज देखते हैं. तो किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को उसकी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया जा सकता है. इसी तरीके से जो हमारे थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हैं, कुछ बेसिक रिलेशंस हैं, आपने पढ़ा होगा, जैसे एच के लिए हम लिखते हैं एच इक्वल टू ई प्लस पी वी, ए के लिए लिखते हैं ई माइनस टी एस, जी के लिए लिखते हैं एच माइनस टी एस. तो ये कुछ हमारे बेसिक थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हैं. ठीक है, ये सब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं. तो इसी के करस्पॉन्डिंग हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए रिलेशंस लिख सकते हैं. तो जिस तरीके से थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पर ये थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हम निकाल चुके हैं पहले, उसी तरीके से
पार्शियल मोरल प्रॉपर्टीज भी आपस में रिलेटेड हैं उसी तरीके से। H इक्वल टू ई प्लस पी भी है तो यहाँ पर एच आई इक्वल टू ई आई प्लस पी भी आई हो जाएगा। ठीक है, तो हर पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी को हम लिख सकते हैं उसकी संगत थर्मोडायनेमिक कोई भी प्रॉपर्टी हो तो उससे। तो जिस तरीके से थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड हैं आपस में, उसी तरीके से पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज भी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। अब क्योंकि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी को हम x को किस तरीके से लिखा था, n1x, n2x2, इस तरीके से हम ये रिलेशन पहले लिख चुके हैं। तो ये क्या हुआ, n1 यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, n2 मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूट। तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करते रहें जितने कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं और उन सबको ऐड कर दें तो वो टोटल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी निकल के आती है। तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के लिए हम इस तरीके से रिलेशन लिख सकते हैं कि E इक्वल टू समेशन ऑफ Ni Ei बार, एनर्जी के लिए, वॉल्यूम के लिए हम लिखें तो V इक्वल टू समेशन ऑफ N1 V1 या Ni Vi बार, ये H के लिए, S के लिए, E के लिए, सबके लिए हम इस तरीके से रिलेशन लिख सकते हैं। ये समेशन है, इसका मतलब यहां पर दो या दो से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं। लेकिन अगर सिंगल कॉन्स्टिट्यूंट है, सिंगल कंपोनेंट सिस्टम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, समेशन तो होगा नहीं, सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूंट होगा। तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, E इक्वल टू N या N1 E1, ठीक है ना, तो V या V इक्वल टू N1 V1 या N इंटू वी। तो Vi को हम इस तरीके से लिख सकते हैं फॉर सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, या इंट्रोपी को, या A को, या किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को। V क्या है, टोटल वॉल्यूम, और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। तो जब हम किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को उसके नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देते हैं तो वो मोलर प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है। तो ये ऐसी स्थिति में सिंगल कंपोनेंट सिस्टम जब होगा तब ये मोलर प्रॉपर्टी होगी, और जब मल्टी कंपोनेंट सिस्टम होगा तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यदि हम इसमें देखें, आप जैसे जैसे ये, आप जानते हैं मोलर क्वांटिटी तो कॉन्स्टेंट रहती है, तो जैसे जैसे आप n में चेंज करेंगे वैसे वैसे ऊपर v में भी चेंज होता चला जाएगा, यानी उस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में भी चेंज होता चला जाएगा, जिसके फलस्वरूप ये क्वांटिटी हमारी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो वही जो हमारी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी या क्वांटिटी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वही सिंगल कंपोनेंट सिस्टम में मोलर वॉल्यूम या मोलर प्रॉपर्टी में चेंज हो जाती है। या यूं कह लीजिए कि सिंगल कंपोनेंट सिस्टम में जो प्रॉपर्टी मोलर वॉल्यूम या मोलर एनर्जी या मोलर एंट्रोपी या मोलर प्रॉपर्टी है, वही मल्टी कंपोनेंट सिस्टम में पार्शियल मोलर क्वांटिटी में चेंज हो जाती है। तो ये इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस पर कुछ चर्चा है।